Good morning, friends. We have started preparing for the UPSC EPF exam, and every day हम five synonyms and antonyms को prepare करेंगे साथ मिलकर. तो आज के जो five synonyms हैं वो हम start करते हैं. Number one is luxuriant. Luxuriant मतलब समृद्ध. तो इसमें option दे दिए हुए हैं, luxury loving, option number A, and option B lovely, option number C rich, मालदार मतलब अमीर, ऑप्शन नंबर डी अबंडेंट मतलब समृद्ध या फिर प्रचुर. तो जो वन का डी है दैट इज़ द राइट ऑप्शन आंसर. पहले का डी हो गया. सेकंड नंबर कैंटेंकरस. कैंटेंकरस का मतलब होता है झगड़ालू टाइप का आदमी होना, है ना. तो झगड़ालू होना, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, क्वारलसम. तो क्वारलसम जो है झगड़ालू है. तो ऑप्शन नंबर सी सेकेंड का राइट आंसर हो गया. सेकेंड चलते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर. तो यहाँ पर थर्ड सिनोनिम्स है ऑनस्ट. ऑनस्ट मतलब किसी चीज़ की जिम्मेदारी, ठीक है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो थर्ड का ऑप्शन नंबर सी जो है बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड हो गया. और उसके बाद आ गए हम फोर्थ नंबर पर. तो यहाँ पर है डेरिजन. तो डेरिजन का मतलब होता है उपहास, किसी का उपहास उड़ाते हैं उसको बोलते हैं डेरिजन. तो यहाँ पर फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी रेडिक्यूल, ठीक है, इसका मतलब भी उपहास ही होता है. तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी तो बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड. उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर. फाइव में ट्राइट, TRIT, ट्राइट. ट्राइट मतलब ये होता है एक घिसा पिटा या फिर कोई कॉमन प्लेस टाइप का, है ना, पुराना. तो इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी फिफ्थ का ए कॉमन प्लेस. तो आज के लिए इतना ही. वी विल कम विद फाइव मोर सिनोनिम्स टुमारो. थैंक यू.